श्री राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के ही पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी भगवान विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्यदेव के सारथी बने। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़े थे और जटायु छोटे थे। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनकी मुलाकात हुई थी। रावण जब माता सीता का हरण करके जा रहा था, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए थे। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु ने श्री राम को पूरी कहानी सुनाई और साथ में यह भी बताया कि रावण किस दिशा में लेकर गया है। जटायु के मरने के बाद श्री राम ने उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान किया था। यह वही स्थान है जब सीता जी का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। श्री राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में भी गिरे थे। जटायु की श्री राम से पहली मुलाकात पंचवटी में हुई थी, जहां वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, लेकिन संपाति उनको खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गए। संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर से ही माता सीता को देख लिया था। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने ही रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा था। जटायु के बाद रास्ते में संपाति के ही पुत्र सुपार्श्व ने सीता जी को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध भी किया था। दरअसल हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ थे, इसलिए सुपार्श्व उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुँचे तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा, तो सुपार्श्व ने बताया, कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लेकर जा रहा था। वह स्त्री हे राम हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में इतना उलझ गया कि मैं मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। अर्थात संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सके क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया था और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान जी के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और आखिरकार उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार रामकथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां पर तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि है और सब में बड़ी खासियत यह है कि यहां स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे की तरफ आती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा था। बागली के पास ही गिद्धिया खो है और जहां कई हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे, लेकिन अब नहीं है।
दुर्गम जंगल से घिरा यह क्षेत्र हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पहुँचते ही सच में लगता है कि हम किसी ऋषि की तपोभूमि में आ गए हैं। जटायु के बाद यह स्थल कई ऋषियों का तप स्थल रहा है। बागली के बियाबान जंगल में बसे इस स्थान पर वैसे तो कम लोग ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रावण मास में भजन पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सीता माता और लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। वहां पर बैठा हुआ एक गरुण उनके चरणोदक में गिर पड़ा। वहां पर उपस्थित साधुओं ने बताया कि यहां पर कभी दंडक नाम का राजा हुआ करता था, जो किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ था। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर जब समाचार मालूम हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान जलकर भस्म हो गया। राजा के नामानुसार ही इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुण की सुरक्षा का भार माता सीता और श्री राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटायु हो जाने के कारण उसका नाम जटायु विख्यात हुआ।